गोबिंद सिंह गुरु का तुदायक आन के आस नहीं मान राई। चात्रक चित महूर महूरट स्वांति ददार कबे हे पाए। जियो पतंग स्नेहों की डोर बदा डाग डोर से लेहो मलाई। सिंधु हतासन है भव की गत मोहे माया कर लेहो बचाई। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच हुए। वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न बनासन सोए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आप पर जाना ही गुरु की बाणी दियां पंक्तियां पढ़ते हैं सुनते हैं। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न ते तेती तुमरा लखा न जाए पसारा। हे मेरे वाहगुरु जिमें जिमें किसी तू बुद्धि बख्शी है ना वो दे मुताबक कहण का यतन जरूर करता है लेकिन तेरे पसारे का किसी अंत नहीं। उस नियम के तहत गुरमुखो तुहाडे हर साल कई दिन इत्थे दीवान लगता है। ढाडी सिंह रागी सिंह कथावाचक कवीशर वीर वाहगुरू की बख्शी बुद्धि के मुताबक कुछ कहिंदे जरूर ने लेकिन कहा जाता नहीं क्योंकि आप पढ़ते हैं तू योगी अंदर योगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत न पाया सुरगा बाश पयाल जियो। तू योगियों के विच भी है भोगियों के विच भी है ते सुरगा ते पतालां विच रहण वाले भी जीव तेरा अंत नहीं पा सकते। गुरमुखो भाई साहब भाई गुरदास सिंह दूजे के बचन ने वाह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। जेड़ा अकेला शब्द है ना इहदी व्याख्या बिल्कुल असंभव है। अकेला दा भाव हुंदा यूनीक लसानी जिहदे वर्गा दुनिया च ना को होया ते ना को होना है। गुरमुखो आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया शंका करन वाला शंका करदा भी ज्ञानी जी घेरा पिया क्यों एहो जी केड़ी गल सी जिहड़ी आनंदपुर साहब नूं घेरा पाउण लई बणी। गुरमुखो जिहड़ी मैं गल कहण लगा ना ये मेरी बुद्धि इन्नी नहीं पर मैं मस्कीन साहब दे कोल आधारी लई गल है ये मेरी अपनी नहीं मैं उन्होंने को आधारी ले चंगी चीज कदों भी मिल जाए बंदा झोली च पा लैंदा है। मस्कीन साहब हर साहब साल गुरु रामदास के अवतार पुरब तो एक दिन पहला आते होंगे सन ते दिवाली तो अगले दिन वह कथा करके अमृतसर साहब मंजी साहब तो विदा हो जाते। इस करके गुरमुखों क्योंकि दीवा की जगया
ते गऊ दी आटे दी गऊ बना करके अंदर सनिया भेजिया भी महाराज असी बेनती करते हैं आनंदपुर साहब का किला छड़ जाओ। जिहड़ी भुख है ना ये बहुत प्रबल है। फरीदा मौतों भुख बुरी राती सुते खा के दिने फिर खड़ी। सात अठ महीने हो गए ने सिखां ने दरख्तां दे पत्ते भी धू धो के खाधे। मैं कल परसों भी शायद गल की सी अखे ज्ञानी जी कहिंदे उन्होंने उत्थे मास खाधा। मैं क्या खाधा भी पर पुत भी कमान कराई सीस भी दिते ही। तू तो खाण की गल ही करना ना गुरु साढ़े ते मेहर करे। मेरे पातशाह कहिंदे भी गुरमुखो सात अठ दिन होर इंतजार करो। तो सिखा ने आख्या पातशाह तू सत्तां अठां दिनों की गल करना साथों घड़ी नहीं कढ़ी जाती। आपां पढ़दे मेरी बांधी भगत छड़ावै बांधी भगत न छूटे मोह है एक समय मोह को गह बांधे तौ फुल मोहे जवाब न होए। मेरी बद्दी नूं भगत छड़ा सकदा पर भगत दी बद्दी नूं मैं छड़ा नहीं दे सकदा। सिखां दे वार वार कहण ते सिंघां दे वार वार बेनतियां करन ते मैं सिख शब्द तां वरत्या है। इहदे च कुछ बेअमृतीए भी सन जिन्हां अमृत नहीं सी छकिया। उन्हां चों दा मजीठे दा रहण वाला दुनी चंद बड़ी लंबी उहदी कथा है। इह गल याद रखिया जे आम साडी पेंडू बोली चंगिआं दे माड़े ते माड़िआं दे चंगे माड़िआं दे चंगे चंगिआं दे माड़े इह कुदरत दा नियम है। क्योंकि आपां आसा दी वाह ते रह रास दे पाठ समें पंक्तियां पढ़दे हां हरनाक दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया प्यो दुष्ट पुत्र नूं भगत संत कहा गया। यह मैं लफज तां वरते ने बाबा दुनी चंद भाई सालो का पोतर होया। भाई सालो वह महान शख्सियत ने जिन्हां नूं कदे गुरु रामदास पातशाह ने आख्या सी भाई सालो कोतवाल बुरे भले की करे संभाल। बाबे अटल राय नूं अमृतसर साहब का सूबेदार करके लिखिया इतिहास विच ते भाई सालो नूं कोतवाल करके लिखिया है। इस भाई कोतवाल सालो का पोतरा दुनी चंद मसंद ये उस किले दे विच है। ते सूहे भाई जालम सिंह ने क्योंकि जिन्ना चिर सूहा विभाग पूरा काम ना करियो सरकार फेल हो जाती है। सूहा विभाग होना बहुत जरूरी है। उस मौके कलगीधर पातशाह का सूहे विभाग का मुखी भाई जालम सिंह करके लिखा जालम सिंह। जालम सिंह ने आख्या भी पातशाह इन्होंने अपने ते हमला करना ते हाथी नूं शराब पिउणी है। मैनू पता लगा ते आपां नूं जवाबी उहदा प्रबंध करना चाहिए। ते सतगुरु पातशाह कहण लगे जालम सिंह बड़ा घबड़िया जिहा प्रतीत नूं इह गल्लां चों गल्ल है कोई जे उन्हां दा हाथी ते आपणे कोल भी हाथी है। हुण सिंह एक दूजे दे मूंह वल वेखण लग पए आपे अपने कोल तां घोड़ा भी नहीं ते गुरदेव कहिंदे हाथी। विशों किसी ने जुड़त की हौसला किया कह लगा पाशे तुसी किहो जिहियां गल्लां करदे अपने तां घोड़े भी खत्म हो गए हाथी कित्थों है। कहिंदे मजीठे वाला दुनी चंद। मैं बचपन दे विच क्योंकि साडे इलाके च होने पंडित मोहन सिंह कड़ियाला बड़े मशहूर कवीर सन वह आम ही प्रसंग सुनाउंदे हुंदे सन। मैं उन्हां दी रसना तों सुनिया भी उहदा सतमण पक्का वजन सी ते पांच सिर दाल झीक ला के पी जांदा सी पांच सिर दाल। ते बीबियां ने जिहड़ा भी घिओ लाउणा उहनां कहिणा बाबा जी जोत विच पाउणा ते उहने कहिणा भी धीए तेरे कोल काका रौंदा ते मैनूं आ बाटी फड़ा दे। बूहा ढो के ते माई दे लाल ने झीक ला के ते कहिणा बीबी जोत विच पा दित्ता जोतां वाला घिओ भी चट जांदा सी। हुण इन्ना राशन पानी पीण वाला फकारे मारने कई बंदे कहिंदे ज्ञानी घराड़े वाले। मैं कहिंदा छकदा ज्यादा ते घराड़े वजणे ने जे थोड़ी खाइए ते आपे घराड़ा ना वजे। कई कहिंदे ज्ञानी जी कोई दवाई है। मैं कहिंदा दवाई कहदी तू दो रोटियां घटा दे। उत्थे तक कहिंदा एक बंदा रोटी खाण गया किसे दे घर ते उहने 27 रोटियां रखियां कहिण लगा पशुआं मैं एक रोटी चुक दे। उहने चुक ली
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰੱਖ ਦੇ ਸ਼ੇਵ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਲਈ ਲਈ ਨੱਤੀ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਸੂ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਯੋਧਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਝਟਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਡ ਗਏ ਪਰ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 51 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੇ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਥਾਪੀ ਲਾਈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਿਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੰਦ ਜੇ ਕੱਢਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭੜਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੱਗ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚੇ, ਪੱਗ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਡੇ ਚਮੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਮਜੀਠੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਭਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਖੱਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਵੈਦ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦਾਂ ਸੰਧਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੇ। ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 6 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 1720 ਬਿਕਰਮੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਐਰਾ ਪਾ ਧਾਤੀ ਮੈਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਰਤ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਐਰਾ ਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਜਾਇਆ।
वह अज भी तख्त सवाए मां नागनी बरशी है। मुकदी गल आनंदपुर साहब तो साडा बापू निकलिया, परिवार के मैंबर खिंड गए, बाबे ने अपने परिवार को खड़ाया, सानू कट्ठे कर ली, आपां कट्ठे फेर भी ना होया, अपने परिवार को वंडिया। साडियां सत्कारयोग मातावां माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी, भाई जवाहर सिंह अरोड़ा सिंह दिल्ली का रहण वाला, ते नाल सेवादार बाबे मनी सिंह की ड्यूटी लाई, मातावां नूं लै के गए, तो उन्हें एक रात रोपड़ विच कट्टी ते मुड़ के दिल्ली नूं रवाना हो गए। दूसरा हिस्सा है साडी मां माता गुजर कौर जी, छोटे साहबजादे, वफादार नौकर, एक गंगू जिहड़ा रसोईया नहीं, मैं उन्हूं सफाई मजदूर तो कह सकता, पर एक ग्रंथ के मैं पढ़िया कि वह मसंद सी, होतो मसंद बिक पर एक पाती, मां पातकी गंगू घाती, एक काव्य के बोल ने ग्रंथ में शीत बिलास दसवीं पढ़ सकते हैं। ओ मां जेड़ी कदे कंबल ते रजाइयां नाल अपने चरण ढकदी सी, अज कुम्मे माछी दी झौंपड़ी च मां ने रात कट्टी, समा बड़ा भयानक है। ये कौन है? उस गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज की धर्म पत्नी जिन्हें संसार का पर्दा ढकया, अज उस गुरु तेग बहादुर पातशाह की धर्म पत्नी दे कोल तानू ढकण लई कोल चादर भी नहीं, समा है। उत्थे लिखिया कि कुम्मे माछी ने एक बीबी नूं बुला करके प्रशादा छकाया, ये लिखता है तुरप है जेड़ा वह गंगू सी, उहदे मन विच लालच है कि जिहड़ी ये खच्चर माया दी किसे ढंग नाल मेरे काबू आ जाए, मैं इहनू सांभला, उहदे अंदर पाप है, इहनू आपां सीरी रिवाज हौली हौली चलांगे। दूसरे पासे कलगीधर पातशाह महाराज, बाबा उदय सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह इत आदि गुरु के सिख, ये सरसा दरिया नूं पार किया। असी सारे ये पंक्तियां पढ़ते तो सुनते हैं, भुलण अंदर सब को अभुल गुरु करतार है। ये भुलना साडे सुभा दा तत् है, संस्कार है, लेकिन गुरु नहीं भुलदा। ज्ञानी जी समय के मुताबिक माड़ा जिहा इशारा करके गए सन, दया सिंह किन्ना क टाइम होया उदों, अजकल वाकू घड़ियां नहीं सी, उदों पल हुंदे सन, पल ते घड़ियां विसे ते चसे। दया सिंह ने आख्या भी महाराज अमृत वेला है, ते सतगुरु पातशाह ने बाबा दया सिंह दे मोढे ते हाथ मार के आख्या, दया सिंह होवे अमृत वेला, ते आसा दी वार विच देरी पै जाए, ये गुरु नूं चंगा नहीं लगता। लिखतां दे मुताबिक उत्थे लिखिया अंग्रेजी च मैन वाल, कईआं ने सिख इतिहास जिवें कनिंग मैन, अज्ञानी जी ने बड़ा जोर लाया इस गल ते कि आपां तां सिख आ ते आपां नूं दस गुरु साहिबानां दे परिवार दे मैंबरां दा नां नहीं आउंदा, लेकिन उस कनिंगम ने सिख इतिहास का पन्ना पन्ना वाचिया, तो उन्होंने अंग्रेजी भी लिखिया भी है, कनिंगम ने, मकालफ ने, उन्हें अपना जीवन गुरु के लिखे ला दिता। पंजी सिंघां ने सतगुरु पातशाह महाराज चौं पासी कंध की, उन्होंने कनिंगम ते मकालफ ने मैन वाल करके लिखिया मनुखी कंध, कहदे लई कि साडा शरीर भावें बिन्निया जाए पर साडे गुरु के रोम नूं झरीट ना आवे। कोल साज नहीं सन जिहड़ा वाजा वजदा अजकल, ये गुरमुखो इंग्लैंड तो साढ़े को साज आया, उत्थे जिहड़े बैगर ने मंगते वह बजाउंदे ने, इहदा कदे गलत अर्थ ना करना भी मैं टेढ़ी गल कीती है, ये इंग्लैंड का साज है ते साडा साज वो है जिहड़े कल परसों गुरमुख प्यारे बजाउंदे सन, परसों दिल रुबा तौस ते रबाब तंती साज, ये गुरु पंचम पातशाह ते गुरु नानक पातशाह ने सानू बख्शे, इस पासे मैं ना जावां।
आसा दी वार दा संपूर्ण कीर्तन होया, जंग होया। ओ जंग दे विच भाई बचित्र सिंह जी ने कदे हाथी का मुकाबला किया, फटड़ हो गया, बहुत भारी जख्मी हो गया, जिन्होंने आप सीरियस कह दें। एक गल खास तौर पर सानू प्रचारनी चाहिए, असं इस पासों ढिले हाँ, असी तो सिख हाँ ना, आप इको लगड़ा लाई जाने मुसलमाना ने आ किया, पर जिनी मुसलमाना ने कलगीधर पातशाह तो जान वारी, वह भी अपनी मिसाल जे जे को रंग जे वर्गा जमया ना, दूजे पासे नबी खां ते गनी खां नूं किहड़े पासे रखोगे, जेड़े गुरु नूं मोढे ते लजांदे ने, मेरे पातशाह तूं साडे सिरां दा ताज, असीं तेरे चरणां च रहांगे। नबी खां ते गनी खां मुसलमान सन, इह कथा अलहदा दी है। गुरमुखो, एक निहंग खां जिथे गुरद्वारा पट साहिब बणिया है, वेखो गुरु की शक्ति। इतिहास कहिंदा कि गुरु के घोड़े ने आवे ते पैर रखिया ते आवा ठंडा हो गया। गुरु का घोड़ा इन्ना ठंडा, पोह का महीना ठंडा, गुरु के घोड़े के चरण ठंडे, गुरु की बाणी ठंडी, इन्नी ठंड पर सिखो अपने अंदर अजे भी ईरखा की अग बलदी जे, अपने अंदर अजे भी नफरत की अग बलदी है। निहंगा कहिंदा कि मैं कितने भुरदा ना हो, तू गुरु गोबिंद सिंह तो नहीं। ते बाजा वाला हसका कहन लगा, निहंग खां तू भुलदा नहीं, तू ठीक पछाणिया, मैं कि भुलदा ना हो, तू कि गुरु गोबिंद सिंह तो नहीं। मेरे पातशाह कहन लगे, निहंग खां बंदा खुद ही दे नाल भुलदा, जो खुदा चेते हुए तो बंदा भुलदा नहीं, हुक्म करो सेवा बख्शो। ते मेरे पातशाह कहते, भाई बचित्र सिंह साडा प्यारा सिंह है, इहदी सेवा संभाल करो। साडे वर्गा हुंदा ते असीं आखणे असीं मरना इवें पंगा लैके। उन्हें आख्या, मेरे धन भाग, जे मेरा परिवार मैं गुरु के लेखे लगा। भाई बचित्र सिंह अदब दे नाल भाई निहंग अपने कर लिया, मैं गल कहन लगा है, तुसी सुननी है पर करनी बड़ी औखी जे, जिहड़ी मैं गल कर लगा ना, मैं जबान हिला देनी है, तुसी सुन लेनी है पर करनी औखी की। भाई बचित्र सिंह एक कमरे विच उहदा अतारा कराया गया, नौजवान मटियार धी ममताज है, उहनूं आख्या, धीए तेरी ड्यूटी है इस भाई बचित्र सिंह की सेवा दे विच फर्क नहीं पैना चाहिए। आपां तां कहिंदे आ वी बाहरों बंदा आया ते कुड़िए चल अंदर, यह माड़ी गल नहीं, शर्म साडा कहना है, पर उहदा गुरु नाल प्यार वेखो कि अपनी नौजवान धी बीबी ममताज की ड्यूटी लाई, भी धीए तू सेवा विच फर्क नहीं पाउणा, तेरी ड्यूटी भाई बचित्र सिंह की सेवा दे विच है। ते पहला भी बेनती की, सरकारां सुईये विभाग के आसरे चलदियां ने, सुईयां ने खबर दित्ती कि कोई बागी सिंह इन्हां दे घर लुकिया, ते आपां नूं चौं पासी घेरा कर पा के ते उहनूं अरैसट करना चाहिए। आ गए, जिवें अजकल आप डीएसपी कह देने, एसएसपी कह देने, थानेदार कह देने, जिन्हें घेरा पाया उहदा नाम जाफर अली खां करके लिखिया जी, जाफर अली खां। ते तगड़े बंदे नूं जदों घेरा पाउंदे ने ते गुरमुख प्यारे कहिंदे ने, सर जी अंदर आ जाइए, ते साडे वर्गा माड़ा होवे ते बाह मरोड़ के पिछे कर लैंदे ने। गिरफ्तारियां अज भी हुंदियां ने, साडे वर्गा माड़ा ते फट बाह नूं फट चाड़ कहिंदे तैनूं करदे आ थाने जाके सिद्धिया, ਇਹ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੋੜ ਲੈਣੀ। ਜਾਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਗਏ, ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿਆਂ।
वो जाफर अली कहन लगा न्यांका को सोच तो कम लै धिया सारिया दियां सांझियां होंदियां ने। ते जदों वो अंदर सन एक नवी गल हुई न्यांका ने अपनी धी नूं आख्या धीए मेरा दमाद मेरा जवाई सुता के जागदा है। ते अगों ममताज ने आख्या अबा जां अजे हुणे टिके ने जे कहो ते मैं ठावां। ते जाफर अली कहन लगा धीए रहण दे गल इत्थे नहीं जे मुकी। भाई बचित्र सिंह जी प्याना सचखंड प्याना कर गए भाई बचित्र सिंह का संस्कार निहंकां ने अपने घर विच कीता। कौन कहिंदा मुसलमान माड़े ने? निहंग खां ने भाई बचित्र सिंह का संस्कार अपने विहड़े विच कीता। ते बच्ची उहदी शादी दे लायक सी, मन में विचार कीती कि चंगा को वर कर मिल जाए तो बेटी का निकाह कर दें। जदों घर विच गल कीतियां बेगम नाल ते ममताज ने गल कीती अब्बा जां किन्नियां नाल विहुणा ही मैनू, किन्नियां नाल विहुणा ही, तू कहिंदा मैं ममताज नाल निकाह ममताज का निकाह करना है। जदों तू आख्या सी धीए मेरा दिमाग सुता के जागदा ते मैं उदों आख्या सी अब्बा मैनू मंजूर है। मैं तो भाई बचित्र सिंह अपना सिरदा साई मानती हाँ, वो मेरा खावंद है। और उस बीबी ममताज ने जिंदगी पर्यंत शादी नहीं कराई और भाई बचित्र सिंह की पत्नी बन के ते अपने जीवन नूं सफला किया। ये बीबी ममताज की कुर्बानी। बाजा वाला बापू अगे गया जिहड़ा चमकौर साहब है ना, इत्थे गुरदेव एक बार पहला भी आए सन, इहदे भेती सन। ते सानू संत ज्ञानी करतार सिंह होरां ने इहदे अर्थे पढ़ाए सन, चमकौर दा अर्थ जी दी और ही चमक हो गए। ये पोथियां च नहीं पर उन्हां दा अनुभव वी अर्थ संत ज्ञानी करतार सिंह दे, वो कहिंदे पुत्रो चमकौर दा अर्थ हुंदा जे और ही चमक, होर ही चमक। क्यों? पंछी भी अपने बच्चों अपने खंभां दे थल्लों लुकाउंदा है पर ये चमकौर दा जंग है जिथे प्यो अपने पुत्तां नूं शहीद होने लई अपनी गोदी चों बाहर कढ़दा है। इस करके इहनूं चमकौर कहिंदे ने। खुरमुखो जिहड़ी उत्थे हवेली सी उह दो भरावां दी सांझी सी, उहनां चों इक जबरदस्त सी अड़ब सुभा दा, इक सी विचारा गरीबड़ा भला माण समाड़ा। बाग विच सतगुरु पातशाह ने उहनूं बुलाया ते तगड़ा कहन लगा जी मैं तां पैर नहीं पाउण देणा। ते माड़ा कहन लगा जी मैं तां लोड़वंद आ, अगे मेरी कहड़ी कदर है, मैनूं माया दी लोड़ है, दे दिओ ते तुसीं मेरे वलूणे बढ़ जाओ अंदर। इतिहास के पन्ने कहिंदे ने कि सतगुरु पातशाह ने उहनूं माया दित्ती और उहदे पासे तों उस चमकौर की गढ़ी विच प्रवेश किया। चौं पासिआं तों नाकाबंदी होई। भाई कोठा सिंह ते भाई आता सिंह इन्हां ने ड्योढ़ी विच अपनी ड्योढ़ी मंगी भी पातशाह साडी इक मंग है, कहिंदे दसो। कहिंदे असीं ड्योढ़ी भी दरबान बन के रहना चाहुंदे आ, साढ़े मन की भावना भी पातशाह जे कोई चमकौर की गढ़ी के अंदर लंघे तो साड़ी लोथां दी उपर दी लंघे। असीं उन्ना चिर किसी नूं अंदर नहीं जान देना जिन्ना चिर साढ़े च प्राण ने। वह कौन सन? भाई कोठा सिंह ते भाई हाता सिंह। एक मैनू अपने मजहबी सिंह भरावां ते बड़ा गिला नाराजगी अपने भरा जान के, मेरे भराओ जिन्नी कुरबानी तुहाडे वडेरियां ने की तुसीं अपने वडेरियां दे इतिहास नूं विचार ही नहीं सके। आ जिहड़ा घरूकारा होया ना लखपत राय एमनाबाद, इस लखपतू ने सोमवारी मस्या ते साडे वडेरे नूं कतल कराया सी, उहदा सिर भाई नवाऊ सिंह रंगरेटे ने लाया सी। ये गल विचों पासे आ गई, अंदर चले गए, अंदर गुरमुख प्यारे भाई मान सिंह ते भाई आलम सिंह जी नूं अजकल आपां सुपरवाइजर कह देने नज़रसानी करन वाला, उहनां दी ड्यूटी लाई भी तुसीं चौं पासे निगाह रखो भी किहड़ा पासा कमजोर है किहड़ा पासा तगड़ा है ते आपां किहड़े पासे वार करना ते किहड़े पासे तों आपणा बचाव करना है। ये दो गुरमुख प्यारियां दी ड्यूटी लगी भाई मान सिंह ते भाई आलम सिंह दी। जदों घेरा पै गया
चौं पासियां तों उन्हां नाकाबंदी कर ली। उन्हां दे जिम्मेवार सन गैरत खां, नार खां, गुलशेर खां। जिहड़ा वो गुलशेर खां ते नार खां सी ना, उन्हें बार एक लैक्चर किया। कहन लगा, गुरमुखो आपां हां तां गुरु दे विरुद्ध, पर गुरु डाढा सूरमा जे, जिवें आनंदपुर की गढ़ी विच अपनी पेश नहीं गई, हुण इह निक्की जी गढ़ी विच काबू आ गया है। पर एक मैं गल कह दिया कि इन्हें हथ खड़े करके बाहर नहीं जी निकलना, भावें इहदे नाल थोड़े सिंह ने, पर मैं कहांगा बहुता धक्का ना करिया जे गुरु नूं घड़ी पल खेल लैण दिया, जे आपां मार तां लैणा ही है ना। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘੜੀ ਪਲ ਖੇਡ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ, 40-45, ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। 8-8 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਸੀ ਤੇਰਾ, ਆਹ ਬਾਈ ਤੇਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ, ਰਣ ਦੇਖ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਉਲਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਹੌਂਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 84 ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਐਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੋਜ਼ਮ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਪਿੰਡੂ ਬੋਲੀ, ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਪੂ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਅਮਰ ਛਕਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਧੋਤਾ ਸੁੱਕ ਹੱਥ, ਭਾਈ ਕਾਠ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਧਿਆਤਾ ਰਾਜ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਭਰਾਓ। ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਬੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੜਾਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਫਾਡੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਫਾਡੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ,
ते आपां आम करके मुक्तियां दी गल पढ़दे आ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਧਾਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ। ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਮੁਕਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਠ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਠ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੌਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ। ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲੇਸ਼ਰ ਭਰਾ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਹੈ ਅਜੀਤ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦੂਰਾ ਮਾਂ ਦੂਰਾ ਦੂਰਾ ਕਾਹਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਲਿਜਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਰਾ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੰਡ 'ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ,
असी टकसाल विद्या पढ़ी है ना, तो जिहड़ा सानू संथ्या करवाउंदा उहनू असी उस्ताद जी कहिंदे हुंदे सां। उस्ताद जी गुरु तां गुरु है ना। बाबे अजीत सिंह बंदूक चलाउण वाला जिहड़ा उस्ताद सी उहदा नाम रख्या सुखा सिंह बंदूक जी। तो कहण लगा अजीत सिंह, मैं तैनूं बंदूक चलाउणी सिखाई ते मैनू सुखा उस्ताद ही कहिंदा है, मैं तेरे नाल होवांगा, मैं वेखांगा ये जीत सिंह किस तरह वार करता ताकि पता चलना भी जी मैं सिखा सिखिया सीखी ने सीखी कि नहीं सीखी। मैं तेनू कले नू जान नहीं देना, माफी दिती जाए ना, माफी मंगण को आया ते माफी आप देंदे ने, माफी दिती तेनू वो माफी देण वाले भी उठ गए ते माफी लैण वाला भी सांभे आ जाए, सब्जियां लाउंदा जे आलू ते मटर। गुरु सत बख्शे पंथो है जेड़ा गुरु की आग्ञा विच है। गुरु की आग्ञा तो बिना पंथ नहीं। असी पढ़ते हो गल रह चली सी, पंथ केड़ा रहत सहत चाहे पंचो मिले माम सरूप ते जानो पले। जेड़े रहत विच प्रपक पंच मिलते ने मेरा रूप ने आपा रोजाना। कई बंदे कहिंदे जी इहदा गुरु गोबिंद सिंह ने मर्यादा आरंभ की है, गुरु नानक पातशाह ने यह सिद्धांत सानू दिता, पंच प्रवान पंच प्रधान पंचा का गुर एक ध्यान। जेड़ा गुर है ना, गुर दा अर्थ है मैथड ढंग तरीका, ओ पंज जिन्हां दा ध्यान केवल ते केवल एक ते है। ते ए नहीं कि होले महल्ले दा मेला है ते एक आके मैं जाना केसगढ़, दूजा कि मैं प्रभाव सिंह दे डेरे जाना, वो पंथ कहदा है कि मैं भूतां वाले बाबे कोल जाना, ते एक आके दूजा आके मैं नैणां देवी चलिया, वो नहीं। जिन्हां दी सूई केवल ते केवल एक गुरु वाले पासे वे उहनूं कहिंदे जे पंथ। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचां का गुर, गुर कहिंदे ने आपां कहिंदे गुर ढंग तरीका मैथड। जिन्हां पंच कहिंदे श्रेष्ठ, पंचनाम श्रेष्ठ दा संस्कृत, उह पंज जिन्हां दी सेज सोच है जिहड़े केवल ते केवल एक नाल जुड़े ने उह पंथ है। उहनां ने आख्या पातशाह बेनती मन, इत्थे साडे इतिहास थोड़ा जिहा बखरेवा है भई कई थावां ते लिखिया भी बाबे संगत सिंह नूं कलगी लाई, कई थावां ते लिखिया भी बाबे संत सिंह दी कलगी लाई, पर विशेष नुक्ता यह है कलगी तां इक्को दे टोटे तां करनो रहि, पर पंजां नूं इकट्ठियां करके गुरदेव ने पंजां दीआं परिक्रमा करके आख्या गुरु पंथ गुरु पंथ गुरु पंथ। जिहड़ा उह संत सिंह सी ना, सानू टकसाल च यह पढ़ाया गया कि बाबा संत सिंह कलगी दी दलील वह देंदे ने, वह पट्टी तां रहण वाला सी बाबा संत सिंह। 47 दे विच उहदे परिवार दे विचों एक माता पिछौर वहिंदी सी, वह हुक्मनामा कलगीधर पातशाह ने दिता सी 47 तक उस माता दे कोल सी। वह इस गल की पुष्टि करता है कि कलगी संत सिंह नूं मिली, लेकिन गुरदेव ने पंजां नूं इकट्ठियां करके आख्या गुरु पंथ गुरु पंथ गुरु पंथ। चमकौर की गढ़ी चो निकले ते बाबा दया सिंह ने कमर कस्से वाला कपड़ा ला के बाबे जुझार सिंह दे तन नूं ढकण दा यतन कीता, ते मेरे गुरु ने कपड़ा फड़ के खिच के आखिया दया सिंह बेइंसाफी ना कर, लोकी उंगलां उठाउणगे। लोगों ने कहना गुरु ने पुत्रां दे पर्दे पा ले ढक ले, गैर गैर रहि जे सारिआं दे कपड़ा पा सकदा ते गुरमुखा ढक दे नंबर घटा ना। एक गल कह के समाप्ति क्योंकि टाइम बिल्कुल हो चुका है, उन्ने चिर भाई निर्मल सिंह नूरे मेरे पिंडां दे ने वो आ जाण स्टेज ते मैं समाप्ति कर देंगा। वो ये है ये साके विच एक बीबी शरण कौर का पति प्रीतम सिंह शहीद हो गया, प्रीतम सिंह का नाम से मेरिया भैणां ध्यान देन खास करके, शहीद हो गया। तो बीबी कहन लगी जे पति गुरु दे लेखे लगा तो बाजां वाले कि मेरे ते कृपा कर। अजकल तो बीबियां केस खिलार दी ना, फैशन अग लग गई, अग लगते फैशन केस खिलार देन गईआं। मेरे पिंड 84-85 च मेरे सकियां च मौत हुई, मेरे ताए का पुत सी सकियां चो बिल्कुल, तो वह जो संस्कार करन चले तो तीन बीबियां दे बाल खुले, तो मैं कह बैठा भी ये बीबिया ने सिर खोले, तो मैनू बुजुर्ग ताया मेरा कहन लगा पुत तेनू नहीं पता, मैं कहनी कहिंदे पुत जिन्हां दे करमात्म होवे ना वह सिर वाल खिलार दीआं ने। अज फैशन ही बन गया, मातम नहीं परमात्म की इंतजार कर दी वाल तां खिलारे साडे को मर जाए, किहो जिहा फैशन आ गया वाल खिलार देने।
उस बीबी ने अपने केस खिलारे ने जान के कैमो फलाई किया भुलेखा पा ली 37 शरीर कट्ठिया किया बीबी कली ने जो किसी की मौत हो जाए ना तो साढ़े अंदर एक हवा प्रवेश करती कहते तनज्जे हवा तनज्जे मुरदा भारा हो जाता क्यों भारा होंगे जो असं प्राणा की गिणती पढ़ते हैं 10 प्राण ने तो तनंजे हवा बंदे अंदर प्रवेश करती बंदा भारा हो जाता 37 शरीर कट्ठिया किया बालन इकट्ठा किया बीबी के गात्रे कृपान एक मिसाल जी के गुट के वार करके मिसाल खो के ते बीबी अगे दौड़ी अज बीबी को कृपान तो नहीं पर जिहड़ा परस उहदे च मोचना है भरोटे पुटन लई होर भावें कख ना आवे पर मोचना मिसरी कर दिया कहिंदे रिमूव करने ने अग लग जाए तेरे रिमूव नूं सिखी की जड़ा आज टुटी जानी है हसैसो ना अपने अंदर झाती मारो बरवटे मौन मनाउण वाली मां दी पोतों भाई तारू सिंह नहीं जमना बरवटे मनाउण वाली मां तो मुताब सिंह ते सुखा सिंह नहीं जे जमने बाबा दीप सिंह नहीं रे जमने अज मां नहीं मिलदी भाई तारू सिंह कित्थों आवे तुसीं कहिंदे जी साडी कौम चढ़दी कला नहीं सानू मावां नहीं मिलदियां मां भी चाहीदी है गुरु अर्जन देव दे अवतार धारण वास्ते मां भानी चाहीदी है मां भानी तो बिना गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दा अवतार नहीं हो सकदा मां तृप्ता तो बिना बाबे नानक दा अवतार किवें होवेगा मां तृप्ता चाहीदी है मां भानी चाहीदी है मैं बहुता पासे ना जावां उन्हें मिसाल खोई तुरकां नूं पता चलिया नाल बीबी ने लांबू लाया कीर्तन सुर का पाठ किया तुरकां ने बीबी नूं गुटां तों फड़िया गिटियां तों फड़ के जदों सुटण लगे ने ते नमस्कार भैणा तैनूं कहिंदी मेरा मुझ में किश नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा अज दी गल इत्थे मुकी मेरे तों अगे गुरमुख प्यारे भाई निर्मल सिंह जी इस लड़ी में बाकी रहिंदा प्रसंग तुहाडे नाल साझा करनगे गुरु बाबा साडे ते कृपा करे साडे ते रहमत करे असीं केवल ते केवल कहीए ते सुणीए ना पाजां वालिया जिहड़ी रहमत उहनां साडे वडेरियां ते कीती होई किते साडे ते वी कर असीं तेरे दर दे भिखारी हां हम भीखक भिखारी तेरे तूं निजपत है दाता गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दा धन्नवाद गुरु के संगतां दा धन्नवाद भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।